किशन भट्ट जी के घर में इस समय जो डीसी जम्मू है अवनी लवासा जी, वो इस समय अपने कंडोलेंसेस देने और परिवार से मिलने यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप वहाँ के दृश्य दिखाएं। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह शोपियन में एक कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट जी, उनको कुछ दहशतगर्दों ने गोली मार के उनके घर में ही उनकी हत्या कर दी। अभी उनके परिवार से मिलने डीसी जम्मू अवनी लवासा पहुंच चुकी हैं। अवनी लवासा जो है वो अभी यहाँ के परिवार को, उनके परिवार को संतावना दे रही हैं। मैं आपको बता दूं, फिर से बता दूं कि अवनी लवासा जो डीसी जम्मू है वो पूरन कृष्ण भट्ट जो शोपियन में आज सुबह दहशतगर्दों ने जिनके घर पे घुस के उनको उनकी हत्या कर दी, उनके घर पे जम्मू में पहुंची हैं और उनके परिवार से मिल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की घटनाएं कश्मीर में पहले भी हो चुकी हैं और अभी जो कश्मीरी पंडित समाज है वो इस समय प्रोटेस्ट कर रहा है और एक बड़ी मांग कर रहा है कि इस सब चीज़ों को रोका जाए और इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हमने अपनी खबर में एक बार आपको एक बात और आपको बताई थी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने अब एक ट्वीट करके ये चीज़ का दिलासा दिया है परिवार को कि इसके पीछे जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जो पूरन कृष्ण भट्ट हैं वो शोपियन में उनके खुद के बगीचे थे और वो वहाँ पर रहते थे और उनका परिवार जो है वो जम्मू में रहते थे, उनके बच्चे और उनकी जो वाइफ हैं वो जम्मू में ही रहती थी, इसी घर पे जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जेके न्यूज़ टुडे।